अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम भी है और टॉपिक का नाम भी है इसमें। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ ए स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन मीन रिवर्स रिएक्शन, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिमेन कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास एक स्टेट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाए और प्रोडक्ट आपको दे। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब ये है कि प्रोडक्ट आफ्टर सर्टन टाइम प्रोडक्ट बन जाए और वो आपस में रिकम्बाइन हो के या डिकम्पोज हो के वापस आपको रिएक्टेंट बनाए, तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बिल्कुल इक्वल हो जाए तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, वो कांस्टेंट हो, इसमें इट विल रिमेन अनचेंज, इसमें कोई चेंज ना आए, तो इसको, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेनेशन ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन टू टाइप्स है, वन इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द अदर इज बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि इसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट बनाता है, और बैकवर्ड रिएक्शन इसमें कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट आपस में रिकम्बाइन होके या डिकम्पोज होके क्या बनाता है, रिएक्टेंट बनाता है। एग्जाम्पल आपके पास ये है, जनरल एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये ए एंड बी, ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, ये आगे प्रोसीड करके फॉरवर्ड रिएक्शन करके क्या बनाता है, सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब प्रोडक्ट, और सी एंड डी आफ्टर सर्टन टाइम कुछ देर बाद जब प्रोडक्ट बन जाए तो प्रोडक्ट आपस में रिकम्बाइन होके या डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, वापस रिएक्टेंट बनाएगा। तो जब इसका रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रिएक्टेंट कितने रेट के साथ प्रोडक्ट बनाता है, और प्रोडक्ट जो वापस डिकम्पोज होके इसका रेट और रिएक्टेंट का रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मेरा मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, ये रेट बिल्कुल इक्वल हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया इस रिएक्शन में। ये स्पेसिफिक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके फर्दर क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और याद रखिए ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होगा, ये ओपन में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, तो जब ओपन सिस्टम हो तो ये क्या करेगा, एस्केप करेगा, तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो जब इसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा तो वापस ये उस रेट के साथ वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, तो इसमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ये फिर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं करेगा। तो ये याद रखिए कि इसके लिए एक कंडीशन है कि ये क्लोज कंडीशन में ये पॉसिबल होगा। थैंक यू।